हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें हमने एक लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर M1 लिया हुआ है। ये एक वाइडर ट्यूब के एक एंड पे फिक्स होती है और इसको फेस किया जाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के सामने। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा उसको ये फेस करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मिरर। ये ऑब्जेक्टिव यहां से पैरेलल लेंस आ रही है, आफ्टर रिफ्रेक्शन ये इसके फोकल प्लेन में मिलने वाली है। लेकिन फोकल प्लेन में मिलने से पहले ही हमने दूसरा प्लेन मिरर M2 इंक्लाइन किया हुआ है 45 डिग्री पे। ये इसको रिफ्लेक्ट करके इसका इमेज बना रहा है A'B'। यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट AB जो है इसका इमेज हमें मिल रहा है A'B'। ये जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई कर रहा है। इसलिए ये जो आई लेंस है इसका वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है A'B'। तो फाइनली आप जो है ये इमेज जो है देख रहे हो, मैग्नीफाइड इमेज देख रहे हो। इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वैसे ही विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज अपॉन द विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू आती है -FO/FE, where FO and FE are the focal length of objective and eye। तो इस तरह से ये reflecting type telescope हम इसका इमेज फॉर्मेशन देख सकते हैं और इसका मैग्नीफाइंग पावर देख सकते हैं। इसमें अब हमको ये सोचना है कि आखिर में रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हमारे पास ऑलरेडी थी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था, रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था, तो फिर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाने की क्या जरूरत पड़ी। आप ये जो फार्मूला देख रहे हो यही फार्मूला हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी पढ़ाया था। दो केसेस थे, व्हेन द फाइनल इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन के केस में जो है हमने फार्मूला पढ़ाया हुआ था M -FO/FE (1+FE/D) और इंफिनिटी के केस में ये फार्मूला बताया था। इन दोनों फार्मूले में जो हमने बताया था कि इन ऑर्डर टू हैव ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी हाई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी लार्ज एंड फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस शुड बी वेरी स्मॉल। तो ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो इमेज होती है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो इमेज बनती है, एक्चुअली हमको टेलीस्कोप से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है उनको कलेक्ट करने के लिए अपर्चर बड़ा होना चाहिए, लेंस का अपर्चर बड़ा होना चाहिए। बड़े अपर्चर का लेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है, बड़े अपर्चर का लेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है और ये कास्टली भी होता है। इससे बचने के लिए हम लोग बड़े अपर्चर का कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, जिससे लाइट गैदरिंग एरिया बड़ी होगी और जब लाइट गैदरिंग एरिया बड़ी होगी तो इमेज जो हमारा बनेगा उसकी इंटेंसिटी अच्छी होगी और जब इंटेंसिटी अच्छी होगी यानी ब्राइट इमेज हम देख पाएंगे, ब्राइट इमेज देख पाएंगे, इसका मैग्नीफाइंग पावर भी अच्छा होगा, फोकल लेंथ हम बढ़ा लेंगे इसका और रिजॉल्विंग पावर भी जो है इसका बढ़ जाएगा। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के कुछ एडवांटेजेस हैं रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पे। सबसे बड़ा एडवांटेज है द इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूजिंग बाय द यूज ऑफ मिरर इज ब्राइटर देन दैट फॉर्म बाय रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अभी हमने एक्सप्लेन किया इमेज जो है ब्राइटर बनता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, इमेज ब्राइट बनता है। दूसरी चीज ये है, आपको पता है कि लेंस में जो इमेज बनता है रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो इमेज बनता है, हालांकि उसमें एक्रोमेटिक पेयर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन
उसमें एक क्रोमेटिक एबरेशन आता है, अलग अलग कलर के इमेजेस जो है अलग अलग पॉइंट्स पे बनते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन आता है। क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है? 1/f = n-1/r1-1/r2। आपको पता है कि अलग अलग कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, और जब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो फोकल लेंथ भी क्या होगी? अलग अलग होगी। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है रेड कलर के लिए सबसे छोटा होगा, यानी रेड कलर की लाइट के लिए फोकल लेंथ सबसे बड़ा होगा। तो रेड कलर की लाइट जो है, जो रेड कलर का इमेज होगा वो सबसे दूर बनेगा और वायलेट का सबसे पास में बनेगा। इस तरह से अलग अलग कलर्स की जो इमेजेस होंगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के, वो अलग अलग पॉइंट्स में बनेंगे, यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हो इमेज शार्प नहीं होगा, इमेज ब्लर्ड हो जाए। लेकिन वो प्रॉब्लम जो है मिरर के केस में नहीं होती है, क्योंकि मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉट अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब सारे कलर्स की इमेजेस जो है एक ही पॉइंट पे बन जाएगी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्रोमेटिक एबरेशन इसमें नहीं है। द इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन। और थर्ड पॉइंट ये है, अगर हम इसकी जगह पैराबोलाइडल मिरर यूज कर लें, पैराबोलाइडल मिरर अगर हम यूज कर लें तो इस केस में क्या होगा, मार्जिनल रेज और जो पैराक्सियल रेज होंगी दोनों जो है एक ही जगह पे फोकस होंगी, यानी स्फेरिकल एबरेशन का डिफेक्ट भी हम दूर कर सकते हैं बाय यूज ऑफ पैराबोलाइडल मिरर। पैराबोलाइडल मिरर लेकर के हम स्फेरिकल एबरेशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर भी जो है रिफ्लेक्टिंग से ज्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर भी जो है हम इंप्रूव कर सकते हैं रिफ्रैक्टिंग के रेस्पेक्ट। दैट्स ऑल फॉर, थैंक्स।